साथ समय है क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत महेश्वरी, बात करते हैं। भाई साहब योगी जी आए थे, क्या लगता है अंतिम कील ठोके जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम तो मैनपुरी में हुआ ही है। इससे पहले जहाँ जहाँ डिम्पल लड़ी हैं वहाँ हार का सामना देखने को मिला है। चाहे आजमगढ़ हो, कन्नौज हो, रामपुर हो, फिरोजाबाद हो, बदायूं हो, ये गढ़ थे समाजवादी पार्टी के, अब ये ढह चुके हैं। मैनपुरी भी ढहने वाला है। भाई साहब 10 दिन से बहुत चेंज आया है, अब बीजेपी टक्कर में आ गई है। जैसा आपने बताया कि बहुत चेंज आया है और बीजेपी टक्कर में आ गई है, मेरा मानना यह है कि हमने उनको पटकनी दे दी है, केवल परिणाम आना बाकी है। योगी जी ने जाके सैफई में श्रद्धांजलि दी नेताजी को, अब आज लगता है कि आप यहाँ पर आके आज साफा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं? सैफई में हमने सभा की थी, आज मैनपुरी में सभा की है। श्रद्धांजलि देने का काम तो हमारा है, लेकिन अखिलेश जी श्रद्धांजलि देने नहीं जाते जब कल्याण सिंह की मृत्यु होती है। शिवपाल जी कह रहे हैं अखिलेश जी से को छोटा नेता कहा जाए। अब छोटा नेता तो उनके परिवार का विषय है, कौन छोटा होगा, शिवपाल होंगे या अखिलेश जी होंगे, लेकिन अभी तो हमारा जो प्रत्याशी है रघुराज सिंह साहब, उसको कुत्ता कहने का काम इन लोगों ने किया है कि ये बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता है। अगर रघुराज सिंह साहब की कुत्ता है तो बाकी जो लोग कहने वाले हैं वे कौन हैं, ये प्रश्न उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूँ। तो कितने अंदर से आप जीतने वाले हैं? मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं करता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बड़े अंतर से जीतने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बड़े अंतर से जीतने वाला। आज योगी जी की मीटिंग जनसभा थी, वो भारी संख्या में यहाँ पे आए थे और कहते हैं यहाँ पर कि आज ताबूत में कील ठोक गए। ये तो 5 तारीख को काउंटिंग होगी, 7 तारीख 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, रिजल्ट पता लगेगा क्या होगा, कील कितनी ठुकी। भाई साहब योगी जी आए चले गए, कील ठोक गए क्या? कल भी मैंने कहा था कि योगी जी आएंगे, बहुत विशाल जनसभा होगी। आज आपने देखा इस ग्राउंड की सबसे बड़ी विशाल जनसभा हुई और जो कील ठोकने की बात है वो कील ठुक गई। ठुक गई, पिंचर, साइकिल पिंचर, साइकिल बिल्कुल पिंचर हो गई, ये सच है। सापा वाले कह रहे हैं पूरा पैक करके रखा है आपने अधिकारियों को और उनके वोटरों को। देखिए वो सत्ता में रहे, उन्होंने पूरे शासनों का दुरुपयोग किया हुआ है और आज तक वो इस मामले के मास्टर हैं। उन्हें लगता है यही काम सब लोग करते हैं। आप जब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बावजूद भी हर बूथ पर हमारा कार्यकर्ता प्रवासी काम कर रहा है, हमको ये करना होता तो इतनी मेहनत, इतने कार्यकर्ता क्यों लगाने की जरूरत पड़ती। ऐसा लगता है जो उस चोर को हर चीज़ दुनिया में चोर दिखता है। इसलिए मैं आपको कह दूँ हमारी पार्टी बिल्कुल जनता के समर्थन से और जनता के प्यार मोहब्बत से जीतने जा रही है। अखिलेश जी के 2 दिन से भाषण आप देखो बड़े इमोशनल हैं, बड़े धीमे बोलते हैं, बड़े इमोशनल होकर जनता से अपील कर रहे हैं। वो तो कि श्रद्धांजलि के रूप में डिम्पल जी को हमने जिताए। देखिए मैंने फिर कहा आपसे कि अभी शायद अखिलेश जी को कुछ झटके लगेंगे और उनको राजनीतिक एहसास होगा कि राजनीति में अहम नहीं होता है, भाषा संयमित रखें और सुशील बने, उनके लिए मुझे शुभकामना है भविष्य के लिए। लेकिन उनको महसूस करना है कि राजनीतिक रूप से अभी परिपक्व होने की उनको आवश्यकता है। 4 लाख यादव हैं, 3 लाख साख है, 2 लाख ब्राह्मण है, 2 लाख ठाकुर है, 1 लाख ब्राह्मण है और 50,000 मुसलमान है, आंकड़े फिर बैठ रहे हैं यहाँ पे। देखिए भाई साहब मैं तो इन मामलों में नहीं जाता हूँ, मैं तो इतना कह रहा हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्य हर व्यक्ति के साथ रहा है। हमने कभी भी किसी समाज के आधार पर, किसी को धर्म के आधार पर भेदभाव किसी योजना में नहीं किया है और मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूँ जनता भी बिना किसी भेदभाव के हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देगी। योगी जी आए आज, हमेशा योगी जब यहाँ पर आ रहे हैं परिवारवाद की बात करते हैं कि उनका परिवारवाद कुछ अलग है। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, यहाँ पर इतना कार्यकर्ता था इनकी पार्टी का, वो उसका चिंतन करते, अपनी पत्नी का स्वयं चिंतन कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनका परिवारवाद चरम सीमा का परिवारवाद है। तो साइकिल पिंचर, बिल्कुल साइकिल पिंचर हो गई है आज योगी जी ने ताबूत में अंतिम कील ठोकी। हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।